जब भी आप अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, इधर देखो मैं, जब भी आप अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, सबसे पहले देखना है मेरा पहला संकल्प नेगेटिव है या पॉजिटिव, दुखदायी तो नहीं। चलिए 5:30 है, इसी संकल्प के साथ आंखें खोल के सभी अनुभव करेंगे कि बाबा मस्तक ही उठाए हैं और आंखों से किरणें निकल रही हैं, कोई भी आंखें बंद नहीं करेंगे, योग मना शक्तियों की किरणों की प्रकाश दे। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला संकल्प को फॉलो करना चाहिए। हमारी संस्कार बिगड़ चुकी है, अंतर मन मान नहीं रहा है कि हमें कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति बात मान नहीं रही है। प्रकृति दुर्घटनाएं जो आज क्रंदन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, अब बदला ले रही है, उसको शांत कैसे करना है। आप जिस स्थान पर हो, आपके कारण अनेक आत्माएं सुरक्षा अनुभव करेंगे। जब आप अपने मन को, अंतर मन को शुद्ध संकल्प की रचना से भर दोगे, लेकिन अशुद्ध तो भरा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज है। अब बच्चा कुर्सी में बैठा है, उसका सुधरना है कुर्सी में बैठना है, आप उसको बोल रहे हो हट जाओ, हटेगा वो? फिर आपने थप्पड़ मारा, हटेगा या नहीं? फिर भी नहीं हटा। डंडा मारा, हटेगा या नहीं? फिर हटा, लेकिन जैसे आपने सिर इधर मुड़ा फिर बैठ गया, क्योंकि उसका सुधर है। जैसे देखा तो वो बोलो नीचे, तो आपने देख लिया, फिर से बैठा है, कान पकड़ के जोर से भुस्सा भुस्सा मार के, डंडा मार के नीचे उतर, बैठा नहीं दोबारा। लेकिन फिर जैसे आपने ऐसे किया तो क्या करेगा वो, क्या करेगा? सभी बोलो। लेकिन फिर जैसे देखा वो गायब हो गया एक सेकंड, क्योंकि वो ध्यान रखता है कब। तो हमारे अंतर मन जो है कि जब देख कर पाता है शुद्ध संकल्प, कौन सी रचना आप कर रहे हो या नेगेटिव संकल्प कर रहे हो, कंफ्यूज हो जाता है, कोई संकल्प का असर नहीं होता है, कभी कभी असर होता है। जो चार समय हमारे पास है, बाबा कहता है शक्तिहीन हो गए हो, गलाहीन हो गए हो, चार लाइन बना लो भाई लोग, और एक लाइन इधर से बना लो ताकि सामने आ जाए, आ जाओ पीछे भाई सब आ जाए, पीछे बैठो एक लाइन और बना, देखो ध्यान से कौन भाई कैसे बैठ रहे हैं, हाँ क्या बात है, राजा जैसे चल रहे सब, देखो माता है, हाँ थोड़ी सी कंट्रोल करना है, जाएगी नजर, देखना जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी नहीं करनी। जब यहाँ कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अंतर मन को कंट्रोल करने के लिए या उसको अच्छे सजेशन देने के लिए हमारे पास चार सुनहरा मौका समय है। अगर उसको हम संकल्प देते हैं उस समय को जो चाहिए आपके जीवन में घटित होगा। और क्या देना है, सफलता 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 सफलता, बोलो सफलता 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 सफलता। लेकिन कब देना है, एक तो सुबह उठते ही आंखें खोलते हैं, पहला समय कौन सा, एक बार बोलो सुबह उठते ही, पौने चार बजे नहीं, जब भी सुबह उठते हो, उठना पौने चार बजे, अगर 3 बजे उठ गया तो नहीं देना संकल्प। मैंने कहा था सुबह उठते ही आंखें खोलते हैं, अगर 2 बजे आंखें खुल गई, अगर गलती से 5 बजे उठ गई आत्मा तो क्या करे, उसमें नहीं करेगी, समय की नहीं, अमृत वाला नहीं। जब भी आंखें खुले सुबह, आंखें खुलते ही अंदर मन पूछ रहा है क्या चाहिए, सफलता। दूसरा समय है जब कभी भी तनाव वाली बातें होती है, कोई नुकसान वाली बातें होती है, कोई चोट वाली बातें होती है, किसी भी प्रकार की हानि बात होती है, तो मन जब तनाव में आ जाता है उस समय भी हमें अच्छा सोचना है। जो हमने कल से आपको पक्का करवाया, अच्छा सोचना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, बढ़िया बोलना चाहिए, कैसे बोलोगे बढ़िया, अंतर मन को जो
जाए अभी चोट लगी है अभी भी कटक में भट्टी लगाता है छोटा सा बच्चा छह साल का भट्टी पे बैठा चार चार घंटा बैठा और वो जो गया सचमुच गिर गया और गिर गया तो बड़ी चोट लगी लेकिन वो रो नहीं रहा बढ़िया बढ़िया और खुद आके अनुभव सुना आप यूट्यूब में सुन सकते अनुभव सुना था चोट तो लगती ये अच्छे शब्द के निर्माण से हमारे मन की ऊर्जा अच्छा विकसित होता है तो जब भी तनाव होती है समझ लो अंतर कहते हैं ना तनाव माना डिप्रेशन कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कोई थोड़ी सी डिप्रेशन में होता है लहर होता है उसका जो बहुत गहरा जाता है वो फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो जब भी तनाव वाली बातें हो किसी ने कुछ बल नहीं बोल दिया अंतर मन पूछ रहा है क्या चाहिए सफलता या बढ़िया कुछ भी बोल सकते क्या चाहिए आवाज नहीं आ रही है माथे पीछे से क्या चाहिए बहुत अच्छा इसी तरीके से तीसरा समय है जब आपको गुड न्यूज मिलता है दिन भर में कोई भी बात मैं सेंटर जा रहा हूँ मुझे कोई मिलने आ रहा है आज पैसा मिलने वाला है नौकरी में या आज मधुर का टिकट बन गया कंफर्म हो गया या जो मेरा दोस्त आ रहा है या घर में आज का अच्छा खाना बना है पिछली आज ब्रह्मा वचन कोई भी गुड न्यूज रोज कुछ ना कुछ मिलता है समझ लो उस समय आपके लिए अंदर में घुसता है क्या चाहिए सफलता ही सफलता बोलो चौथा समय है रात को सोने से पहले कुछ सोचिए जैसे आप नींद आ रही है आप आज मेरे सपना ऐसे ठीक है कल भी होने वाला है लेकिन सारी बात छोड़ के मुर्गी के चिंतन अर्थात अच्छे शब्दों की निर्माण करना और उसमें सबसे अच्छा शब्द जो बाबा ने मुर्गी में दिया सफलता ही बोलो ये मेरा अनुभव नहीं है लाखों भाई मेरे का अनुभव मैं बता रहा हूँ जिन्होंने सफलता ऐसे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस किया इतनी बातें सफलता उनको मिली जो कभी नहीं होता